हेलो एवरीवन, मेरा आज का टॉपिक जो है वो एक बहुत ही फेमस मिनिएचर स्कूल है। गेस करेंगे? चलिए मैं आपको हिंट देती हूँ। द लैंड ऑफ किंग्स विच इज नोन फॉर इट्स यूनिक कल्चर, थार डेजर्ट्स, ग्रेट फोर्ट्स, पैलेसेस, टेम्पल्स, बिग फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। गेस हम किस बारे में बात कर रहे हैं? यस, वी आर टॉकिंग अबाउट राजस्थान, the land of palaces and forts. But apart from architecture, the most notable form of visual art of Rajasthan are the miniature paintings. Ji, wahi paintings which are of small size but with intricate work. So aaj hum is video mein unit 1 ke chapter Rajasthan School of Miniature Painting ke do topics ko samjhenge. Pehla, origin and development, और दूसरा सब स्कूल्स ऑफ राजस्थान। सबसे पहले ये समझें कि इन टॉपिक्स में से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा और किन सेक्शंस में आ सकता है। सो एज पर पेपर पैटर्न आपको दो सेक्शंस में क्वेश्चन आ सकता है। एक लेंथी क्वेश्चन 6 मार्क्स की कैटेगरी में, जिसमें पूछा जा सकता है कि राइट एन एसे ऑन राजस्थानी मिनिएचर्स और गिव ओरिजिन एंड डेवलपमेंट और डिटेल्ड नोट ऑन राजस्थानी स्कूल। और दूसरा, यू विल गेट द क्वेश्चन इन 3 मार्क्स कैटेगरी, दैट राइट ए नोट ऑन एनी सब स्कूल ऑफ राजस्थान, वेदर मेवाड़, बूंदी, जयपुर एंड सो ऑन। और हाँ, आज के इस वीडियो में मैं उतना ही मैटर आपको समझाऊंगी जितना आपको इन क्वेश्चंस में फुल मार्क्स अचीव करने के लिए चाहिए। एंड आई एम श्योर अगर आप ये लेक्चर पूरा सुन लेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर को लेके नेक्स्ट 10 मिनट्स में ही बेटर हो जाएगी एंड मोर ओवर लर्निंग भी बहुत इजी हो जाएगी। जैसा मैं अक्सर कहती हूँ, मीनिंगफुल लर्निंग इज बेटर देन द रोट लर्निंग। सो चलिए समझते हैं राजस्थान स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग को। सबसे पहले टाइम पीरियड। इस स्कूल का टाइम पीरियड था 16th to 19th century AD। दिस स्कूल वॉज डेवलप्ड अंडर द राजपूत किंग्स, इसलिए स्कूल को राजपूत स्कूल भी कहा जाता है। ये टोटल हिंदू आर्ट था, विच वॉज इमर्ज्ड ग्रेजुअली फ्रॉम वेस्टर्न इंडियन ट्रेडिशन और स्कूल। बट इसमें ऐसे कौन से फीचर्स थे जो इसको वेस्टर्न इंडियन स्कूल से अलग करते हैं? वो थे एलिमिनेशन ऑफ एंगुलर फीचर्स, डिसअपीयरेंस ऑफ फर्दर आई एंड द डेवलपमेंट ऑफ परफेक्ट प्रोफाइल फेस। मतलब जो पेंटिंग्स में बाहर को निकली हुई आंख बनाई जाती थी वो नहीं बनी। एंड यहाँ स्कूल में बहुत सुंदर एंड परफेक्ट प्रोफाइल फेसेस बने हैं। प्रोफाइल मींस साइड पोज, एक चश्मा मींस वन आइड फेसेस। अब जिन स्टूडेंट्स को वेस्टर्न इंडियन स्कूल के बारे में नहीं पता, वो मैंने अपने पिछले वीडियो के इंट्रोडक्शन ऑफ मिनिएचर स्कूल्स में समझाया है, सो आप वो देख सकते हैं, क्योंकि ये सब मिनिएचर्स के चैप्टर्स ना इंटरलिंक्ड हैं या कहिए इन्फ्लुएंस्ड है एक दूसरे के स्टाइल से। इस स्कूल के आर्ट को हम प्योर इंडियन आर्ट कहते हैं। अब हम बात करें कि क्या राजस्थानी स्कूल पर किसी और स्कूल का प्रभाव था, मींस इन्फ्लुएंस था? सो लगभग सारा राजस्थान मुगल के अटैक से अफेक्टेड था और डायरेक्ट उसके इन्फ्लुएंस में था। हालांकि कहा जाता है कि मेवाड़ अंत तक इस इन्फ्लुएंस में नहीं आया था। सो हम कह सकते हैं इस बारे में कि यस, मुगल इन्फ्लुएंस इज क्वाइट विजिबल इन राजस्थानी मिनिएचर्स। एंड द मेजर फैक्टर्स ऑफ दिस इन्फ्लुएंस वॉज द चेंज्ड पोलिटिकल कंडीशन एंड द क्लोज कनेक्शन बिटवीन द मुगल लॉर्ड्स एंड राजस्थानी राजास। टाइम पीरियड एंड इन्फ्लुएंस के बाद अब हम समझते हैं कि इस स्कूल की पेंटिंग्स के सब्जेक्ट क्या क्या थे, जिसे हम थीम्स कहते हैं। मतलब पेंटिंग्स किन टॉपिक्स पर बनी या किन विषयों पर बनाई गई। सो सबसे ज्यादा पेंटिंग्स जो बनी है वो रिलीजियस थीम्स पर बनी है। भक्ति थीम पर स्कूल में बहुत चित्रण हुआ है। हम कह सकते हैं कि एक स्पेशल अपील है कृष्णा की पेंटिंग्स में। उनकी लीलाओं को बनाया गया, उनको कई रूपों में दिखाया गया। ही वॉज नॉट ओनली वर्शिप्ड एज गॉड बट ऑल्सो एज एन आइडियल लवर। राधा कृष्ण को जीवात्मा और परमात्मा के रूप में दिखाया गया है। मतलब कृष्णा एज अ डिवाइन सोल एंड राधा एज ह्यूमन सोल। दीज पेंटिंग शोज द सेंटिमेंट्स ऑफ लव एंड डिवोशन। इसके साथ साथ रामायण, महाभारत, भगवत पुराण, गीत गोविंद, शिव पुराण पर भी बहुत पेंटिंग्स बनी हैं। दूसरा जो मेन थीम है वो है हिस्टोरिकल पेंटिंग्स।
हम कह सकते हैं कि शौर्य से भरपूर चित्रण हुआ है। राजा महाराजों की लाइफ से जुड़े कई सब्जेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे हंटिंग सीन्स, वॉर्स एंड विक्ट्रीज, पिकनिक्स हो गई, डांस एंड म्यूजिक परफॉर्मेंसेस जो पूरे डेकोरम के साथ बने हैं, फिर रिचुअल्स हुए, फेस्टिवल्स हुए, वेडिंग प्रोसेशंस भी बने हैं एंड पोर्ट्रेट्स भी बहुत बने हैं, और इन सबको बहुत ही सुंदरता से, बारीकी से बनाया गया है, चाहे वो बाल हों, फेशियल फीचर्स हों, ट्रांसपेरेंसी ऑफ गार्मेंट्स हो, ऑर्नामेंटेशन हो या फ्लोरा एंड फौना ही क्यों ना हो। इसके अलावा लिटरेरी पेंटिंग्स वो भी बनाई गई। लिटरेरी पेंटिंग्स का मतलब वो पेंटिंग्स जो किसी लिटरेचर की इलस्ट्रेशन हो, मतलब किसी साहित्य पर बनाई गई कोई पेंटिंग हो, जैसे कि रसिक प्रिया, रसमंजरी या कवि प्रिया, इस तरह के लिटरेचर्स पर बनी है। देन रागमाला पेंटिंग्स बनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इन मिनिएचर्स का, जिसे हम ना मुख्य विषय भी मान सकते हैं। अब आप समझें, रागमाला इस शब्द का मतलब है रागों की माला, जो भाव गाने से या बजाने से महसूस किया जा सके, उन भावों को, उस फील को पेंटिंग्स के थ्रू डिपिक्ट किया गया। ये रागास का ह्यूमन फॉर्म में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। जिस तरह के राग होता था उसी के हिसाब से सब एनवायरनमेंट दिखाया जाता था। इसके अलावा बारामासा मींस 12 मंथ्स पर भी पेंटिंग बनी है नेचर के ऊपर। सो ये सब कुछ एक मेन थीम है राजस्थानी मिनिएचर्स के। अब हम सब स्कूल्स को समझते हैं। सब स्कूल्स ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल डाइवर्सिटीज एंड लोकल इंटरेस्ट, द आर्ट स्कूल ऑफ राजस्थान कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल सब स्कूल्स जो हैं मेवाड़, बूंदी, किशनगढ़, जयपुर, जोधपुर एंड बीकानेर। अब हर स्कूल का मैं आपको ना दो या तीन मेन पॉइंट्स बताऊंगी, सिर्फ इतना ही आप नोट डाउन कर लें या समझ लें। सो फर्स्ट सब स्कूल इज मेवाड़। सब राजस्थानी शैलियों में मीन स्टाइल्स में ये सबसे प्राचीन मतलब पुरानी शैली है। मेवाड़ की बात करें तो इसमें सेंट्रल इंडियन स्कूल और पर्शियन स्कूल का इन्फ्लुएंस था। ब्राइट एंड कंट्रास्टिंग कलर्स यूज हुए हैं। अक्सर जो भी टेक्स्ट होता था ना वो ब्लैक में लिखा जाता था एंड दैट टू मोस्टली अगेंस्ट द येलो बैकग्राउंड ऑन द टॉप ऑफ द पेंटिंग। इस स्कूल के अंदर रागमाला सीरीज पर बहुत काम हुआ। फेमस पेंटिंग ऑफ दिस स्कूल इन आर सिलेबस इज मारू रागिनी बाय साहिब दिन। आप देख सकते हो उस पेंटिंग में भी टेक्स्ट टॉप पर है और ब्लैक में लिखा है ना। सेकेंड सब स्कूल इज बूंदी। द स्टाइल ऑफ बूंदी स्कूल वॉज वेरी क्लोज टू मेवाड़ स्कूल। सेकेंड पॉइंट है कि बूंदी आर्टिस्ट हैड देयर ओन स्टैंडर्ड्स ऑफ फेमिनिन ब्यूटी, मतलब राउंड फेसेस, रिसीडिंग फोरहेड, शार्प नोज, फुल चीक्स एंड शार्पली पेंसिल्ड आईब्रोज बने। तीसरा पॉइंट इज द कीन इंटरेस्ट इन द डिपिक्शन ऑफ लश वेजिटेशन एंड पिक्चरेस्क्यू लैंडस्केप्स, मीन्स बहुत ही आइडियल टाइप के लैंडस्केप्स बने हैं जिनमें ना एक आर्टिस्टिक अपील होती है, जैसे आप वाइल्ड लाइफ का होना, बर्ड्स, हिल्स, जंगल्स, वाटर बॉडीज एंड ऑल। रिच एंड ग्लोइंग कलर्स यूज हुए हैं। फेमस पेंटिंग इज राजा निरुद्धा सिंहारा बाय उत्कल राम। नेक्स्ट इज द किशनगढ़ स्कूल। हम कह सकते हैं कि मिस्टीरियस ब्यूटी ऑफ वुमेन इज द लाइफ ऑफ द किशनगढ़ पेंटिंग्स। इस स्कूल के चीफ अचीवमेंट ही इसको माना गया है और इसके एक प्राइम एग्जाम्पल है द इमॉर्टल पेंटिंग बनी ठनी, बहुत ही सुंदर, जिसपे इंडियन गवर्नमेंट ने इवन पोस्टल स्टैम्प भी इशू किया है। इस सब स्कूल में इलोंगेटेड ह्यूमन फॉर्म्स बने हैं, मतलब थोड़ी लंबी आकृतियां, जैसे कि लंबी गर्दन, बादाम के आकार की लंबी आंखें और लंबी लंबी उंगलियां। ज्यादातर पेनोरामिक लैंडस्केप्स दिखते हैं। लेविश यूज ऑफ ग्रीनरी इज देयर और बहुत ही स्टाइलाइज्ड कॉम्पोजिशंस बने हैं यहाँ। मास्टर पेंटर वॉज निहाल चंद एंड राधा बनीठनी इज द फेमस पेंट। नेक्स्ट है हमारा जोधपुर स्कूल। इसका फर्स्ट पॉइंट, इसके शुरुआती पेंटिंग्स में जैन स्टाइल का इन्फ्लुएंस मिलता है। जैन स्टाइल को भी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है और अगर किसी बच्चे को यहाँ कंफ्यूजन हो तो वो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। इलस्ट्रेशंस वर बेस्ड ऑन भगवत पुराण, नल दमयंती, दुर्गा चरित्र वर मोस्टली पेंटेड। फीमेल फिगर्स जो बनी हैं दे हैड अ चार्मिंग सिंप्लिसिटी एंड ब्यूटिफुल लॉन्ग आईज। फेमस पेंटिंग चौकन प्लेयर बाय दाना
नेक्स्ट इज बीकानेर स्कूल। इस स्कूल में बाकी सब स्कूल्स के कंपैरेटिवली हमें सबसे ज़्यादा मुगल आर्ट के एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर पेंटिंग रिलीजियस माइथोलॉजी पर बनी हैं, कृष्ण लीला, भगवत पुराण आदि। फाइन लाइन्स एंड लेसर रेंज ऑफ कलर्स पर देयर। फेमस पेंटिंग इज कृष्णा ऑन स्विंग बाय नूरुद्दीन, विच इज देयर इन योर सिलेबस। अब हमारा लास्ट सब स्कूल है जयपुर। इस स्कूल में लार्ज नंबर ऑफ लाइफ साइज पोर्ट्रेट्स बनाए गए, कृष्ण लीला, रामायण, महाभारत, भगवत पुराण, कैमल फाइट्स, सेरेमनीज ऑफ रॉयल कोर्ट्स, ये सब बना है यहाँ पे। फेमस पेंटिंग जो है वो भरत मीट रामा एट चित्रकूटा बाय वुमन। सो दिस इज ऑल अबाउट द राजस्थानी स्कूल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो नाउ अब आप लोगों ने एक बात का ध्यान रखना है, जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि दो तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो इफ यू गेट द क्वेश्चन लाइक राइट ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ राजस्थानी, तो आपने अपने आंसर में पूरा एक्सप्लेन करके जाएंगे इन पैराग्राफ फॉर्म, जैसे टाइम पीरियड, स्टाइल एंड इन्फ्लुएंस, थीम एंड सब्जेक्ट मैटर, बट इन पैराग्राफ फॉर्म। एंड फोर्थ मेन सेंटर्स हो गए एंड सब स्कूल्स। अगर टाइम है तो थोड़ा थोड़ा मैटर, अदरवाइज आप सिर्फ नेम्स मेंशन करके जा सकते हैं। ये आप अपनी राइटिंग स्पीड के हिसाब से एंड वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग देखेंगे। फेमस पेंटिंग आप उसके बाद ऐड कर सकते हैं जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, एंड वन स्मॉल पैराग्राफ ऑफ द फीचर्स कि किस तरह का काम हुआ था। और इवन इस आंसर के स्टार्टिंग ही आप कुछ स्पेसिफिक लाइन से भी कर सकते हैं, जैसे आप कहें कि राजस्थानी पेंटिंग्स आर द पेंटिंग्स सेंटर्ड अराउंड लव स्टोरीज ऑफ कृष्णा राधा विच वर डन विद अटमोस्ट केयर एंड इन माइन्यूट डिटेल्स विद स्ट्रॉन्ग लाइन्स, बोल्ड कलर्स एंड परफेक्ट प्रोफाइल फेस। सो एक अच्छे से स्टार्टिंग हो जाती है आंसर की, एंड उसके बाद आप टाइम पीरियड एंड ऑल सब लिख सकते हैं। एंड सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, वो आ सकता है कि नोट ऑन एनी वन सब स्कूल लाइक जयपुर और बीकानेर। सो उस क्वेश्चन में आप मेंशन दी 3-4 पॉइंट्स इन द स्टार्टिंग, जो मैंने आपको पर्टिकुलर उस स्कूल के बारे में बताए हैं, एंड रेस्ट आप राजस्थानी स्कूल का ही टाइम पीरियड, थीम एंड ऑल आंसर में लिख के जा सकते हैं उसे जयपुर या बीकानेर के स्कूल के नाम से। सो दिस इज ऑल अबाउट राजस्थान स्कूल, एंड आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू मेक योर लर्निंग फास्टर एंड बेटर। टेक केयर, गुड बाय।